नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NVTV और मैं हूं संजय वैष्णव। आज मैं आपको एक सकारात्मक स्टोरी लेकर आया हूं, पॉजिटिव स्टोरी आपको मैं सुनाऊंगा। क्योंकि ये कहानी नहीं है, जीवंत उदाहरण है आप सभी के लिए। लॉकडाउन के कारण कई व्यक्तियों के काम धंधे बंद हो गए, जिसके कारण वो घर में बैठे हुए हैं। कुछ लोग जवानी में भी बेरोज़गार घूम रहे हैं और अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, प्रशासन को दोष दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दूंगा जिनको देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप में कुछ कमी है या आपके पास कोई विकल्प नहीं है। शायद इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना हमें दिखाया है कि यदि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो भी हम अगर प्रयास करेंगे तो हमारे आसपास हमें ऐसे काम मिल जाएंगे जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। मुझे एक ऐसे बुज़ुर्ग अभी दिखाई दिए जो गांव में जाकर लोगों से उनके पुराने जूते चप्पल होते हैं वो लेते हैं और सिलते हैं, और ये वो शौक़ से करते हैं। चूँकि मैंने अभी बात करी तो पता चला, हम उनसे और बात करेंगे। और चूँकि ये समय ऐसा है कि हमें कुछ मौक़ों की तलाश करनी होगी, कुछ अपनी तरफ से ऐसे काम धंधों की खोज करनी होगी जिसके माध्यम से हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। मैंने मास्क निकाला हुआ है क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं है, लेकिन आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर लगाएं। तो चलिए हम उन बुज़ुर्ग से मिलते हैं और थोड़ा सा उनसे इंस्पायर होने की कोशिश करेंगे। दादा, सबसे पहले मास्क को लगाओ आप, क्योंकि महामारी फैल रही है और घर से आप बाहर ना निकलें उतना ही अच्छा रहेगा। ये मास्क लगा लो आप, मास्क जैसा मैंने लगाया ना जी, इसको लगाने से बीमारी नहीं फैलती है ना। तो जो लगात बन जाए तुम्हें, रुक जाओ मैं लगा दे रहा हूँ, रुक जाओ। बताओ, जय निकाली हो मती है ना। हाँ। जब भी घर से बाहर निकालो, हाँ। जय लगा कहीं निकलियो। हाँ। और जैसा ही घर जय हो वो से लग बंद निकाल, हाँ जय निकाल लियो, साबुन से हाथ धोइयो अच्छे से, है ना। हाँ। चलो अच्छा, ये कब से काम कर रहे हैं जो जूता चप्पल सिलवे को? बहुत बहुत दिन से। अच्छा, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 100 साल उम्र हो गई। 100 साल। अच्छा, और जो अब अभी दिखा रहा हो तुम्हें? दिखात है, कम दिखात। कम दिखात है। हाँ। अच्छा, जे काम कर दे गांव में, घरों घर जा तो? हाँ, ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा, घर में कितने मोड़ा है तुम्हारे? कितने मोड़ा मोड़ी कितने? 4 हैं। 4 हैं। हाँ। अच्छा, तो बे खावे पीवे दे दे तुम्हें? देते हैं। तो फिर जो घरों घर मतलब चप्पल जूते से लेकर आए जा तू? अरे मन मर्जी से कह तो रहा हूँ मैं। अच्छा, मन मर्जी से आ तो? हाँ। तो ये देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, हम इनसे ले सकते हैं कि बेरोजगार बैठने से अच्छा है कि अपना काम करें, जितना हमसे बनता है उतना हम काम करें। अच्छा, मन मर्जी से अच्छा लगा था? हाँ। अच्छा, बैठे जी पाँव दुखा थे जी। अच्छा, पाँव दुखा थे? हाँ। देखे हमारे घरों जितो कछु मिले थे? मिल जाते मिल जाए, उन्हें मिले इतने मिले। अच्छा, काम कर रहे अच्छा लगा था? हाँ। तो यहाँ पर एक और हमें इनसे सीख मिलती है कि काम करना अच्छी बात है और हमें भी आदत बनानी चाहिए, अपने कौशल को बढ़ाना चाहिए। मैं काफ़ी ज़्यादा इनसे इंस्पायर हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी प्रेरणा मिलती होगी। तो दादा, कितने पैसे मिल जाते तुम्हें काय की जी दिन भर में? अरे दिन भर में 10-20 रुपये। 10-20 रुपये बस? अच्छा, तो अच्छो लगा पैसे मिले थे तो? अरे बस फिर अब का बुरो लागे। अच्छा, अब कितने पैसे मिल गए तुम्हें चप्पल से लेके? अब कहाँ, ये जोड़ रहा हूँ तो जोड़ी चीज 20 रुपये भाई हैं। 20 रुपये मिल गए? हाँ। कितनी देर से जोड़ रहे हैं? है? कितनी देर हो गई जोड़ा था आज? मैं तो बड़ी देर को आया हूँ। अच्छा, दो धीरे धीरे कराते रहते हो? अच्छा, बहुत अंझा का नहीं, ये तो जो हो नहीं है। अच्छा अच्छा, मन से करा दो जब तक करा तुमने। अच्छा, तो अबे ज्यादा बाहर मत निकलियो। हाँ। एक बीमारी फैल रही है। अच्छा, है ना। हाँ। तो वह बीमारी बहुत खतरनाक है। हाँ। है ना, तो अबे जो काम धंधो बिल्कुल बंद कर दो। हाँ। है ना, मोड़ा से बे तो खावे पीवे दे ही रहे हैं। बे दे जाए, है ना। तो हाँ। बंद करो, जब बीमारी लग जाए तो बड़ी दिक्कत पड़ जाए। हाँ। और जैसे ही घर जाओ ना तो वैसे ही अच्छे से हाथ पाँव धोइयो। हाँ। है ना। हाँ। और जिन्हें भी धोइयो, तुम्हारे जो औजार है ना जूते चप्पल सिलवे के, ठीक है। और जब मास्क मत निकालियो, जाए कब तक नहीं निकाल, जब तक घर जाओ। हाँ। और अब तुम घर से बाहर मत निकलो। हाँ। ठीक है। हाँ। यो अगर मास्क ना हो तो ऐसे ही रुमाल लपेट लो अपन ने। हाँ। और अच्छे से हाथ धोइयो। तो का नाम है तुम्हारा दादा? हाँ? नाम का तुम्हारा? मोहनलाल। मोहनलाल।
तो ये थे हमारे साथ मोहन लाल जी, बुज़ुर्ग हैं, 100 साल की उम्र हो रही है, खुशबक्ति से काम करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, क्योंकि इनके बाल बच्चे इनकी देखरेख करते हैं और मुझे स्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं। अभी इनको चश्मा नहीं लगा हुआ है 100 साल की उम्र में भी। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की जीवन शैली का ही नतीजा है कि इतने उम्र के बावजूद भी इन्हें कोई बीमारी नहीं लगती। लेकिन मैंने इनको सलाह दी है कि अभी ये फ़िलहाल अपने घर से ना निकलें, अपना काम करें। लेकिन अगर आप घर में हैं, अगर आप जवान हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं, तो अपनी किस्मत को दोष ना दें, प्रशासन को दोष ना दें, थोड़ा सा प्रयास करें और जो कुछ आपके सामने विकल्प हैं उनमें बाकायदा अपने आप को लगाएं, मन से काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस महामारी के दौरान अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थोड़ा प्रेरित हुआ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको भी प्रेरणा मिली होगी और हम सभी इस महामारी से लड़ेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।